हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नस्सो किचन। तो फ्रेंड्स, रोज़ का टेंशन रहता है कि बच्चों के टिफ़िन में हम क्या दे क्या दे। तो चलिए आज बच्चों को सैंडविच बना के देंगे। और एक रेसिपी है आगे, आप ज़रूर देखिएगा, वो भी बहुत टेस्टी और हेल्दी रहती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले ली हूँ ब्रेड, और ब्रेड में मैंने लगा दी हुमस का। और मैं शेजवान चटनी की अलग बनाऊँगी, टोमेटो सॉस की और मेयोनीज की अलग बनाऊँगी। तो आप पूरी वीडियो को बराबर वॉच करिए कि मैं किस तरह से वेज सैंडविच बना रही हूँ। सबसे पहले हम वेज सैंडविच बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लगा, यहाँ पे मस्का लगा लूँगी मैं इस पर पहले, सबसे पहले मैं सैंडविच के ऊपर, यानी कि ब्रेड के ऊपर जो हमारी सैंडविच बनने जा रही है। तो मैं एक हाथ से ये पकड़ी हूँ कैमरा, और एक हाथ से मैं मस्का लगा रही हूँ। तो मैं आपको दिखा दी हूँ, यानी मस्का मैंने लगा दी हूँ। अब यहाँ पर लगेगा टोमेटो सॉस, टोमेटो सॉस डालेंगे क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे को तेज़ नहीं पसंद है उसको ज़्यादा, तो इसके लिए मैंने उसके लिए सॉस वाला बना दिया, टोमेटो सॉस वाला बनाई हूँ। तो जो बच्चे ज़्यादा तीखा नहीं खाते उसके लिए हम यही बनाएंगे, टोमेटो सॉस वाला। अगर इसको तीखा पसंद है तो उसको शेजवान चटनी आप लगा सकते हो, या तो हरी चटनी भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोमेटो सॉस भी लगा दी हूँ। और यहाँ पे हम हमारा सैलेड रख देंगे जो हमने लिए थे, ककड़ी, टमाटर और कांदा। ये हमारी वेज सैंडविच है, तो इसके लिए हम ये वेज सारी वेजिटेबल्स ले लेंगे। और आपको जो पसंद है आप ले सकते हो, जैसे कि गाजर, बीटरूट वगैरह, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपनी वेजेस रख दी हूँ यहाँ पे, और मैंने ले ली हूँ मेयोनीज। देखिए मैंने यहाँ पे मेयोनीज डाल दी हूँ तकरीबन एक चम्मच। तो इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे, मिला लेंगे अच्छे से। मेयोनीज बहुत टेस्टी लगती है सैंडविच में, खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। तो इस तरह के आप बना के देखिएगा सैंडविच, बहुत ही मज़ेदार लगेगी, बच्चों को पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक बना दी हूँ, तो यहाँ पे मैं रख दी हूँ यहाँ ऐसा। अगर आपके पास है तो आप इसमें बना सकते हो। तो मेरे पास ये वाला सैंडविच मेकर है, ज़्यादा महंगा नहीं रहता है फ्रेंड्स, 150 तक आता है ये। तो मैंने भी जैसे कि स्टोर रहती है बर्तन की, मैंने वहाँ से ले ली थी इसको। अरे, और हमेशा हमेशा के लिए हम बना सकते हैं घर में, बाहर का इतना महंगा महंगा मिलता है। एक एक सैंडविच 25-30 का मिलता है, तो कितना कॉस्टली हो जाता है ये सब लोग के लिए। तो यहाँ पे हम एक ब्रेड में बहुत सारे सैंडविच बना के तैयार कर सकते हैं बच्चों के टिफ़िन के लिए, अपन खुद भी खा सकते हैं बना के एक ब्रेड में। तो यहाँ पे देखिए मैंने वो सैंडविच जो लगा के रखी थी सारा, तो उसको मैंने सैंडविच मेकर में थोड़ा सा ऑयल लगा कर उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर लगाने के डाल दी। और उसको सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 2 मिनट ये साइड पे अलग करेंगे और 2 मिनट वो साइड में। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं वेस्ट ये इसमें तीखा वाला बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे शेजवान चटनी, पहले बटर लगाई थी मस्का, उसके बाद में मैंने शेजवान चटनी लगाई। अब यहाँ पे हमारी जो सैलेड है वो सब रखेंगे क्योंकि वेज है, इसके लिए वेज पूरा सैलेड है इसके अंदर, टमाटर, ककड़ी और कांदा। जैसे कि आप और भी इसमें बोली कि आप भी कर सकते हो ऐड गाजर, बीटरूट वगैरह, आपको पसंद है जो भी हो सके पॉसिबल हेल्दी के लिए, बच्चों के हेल्थ के लिए। तो आप और भी वेजेज ऐड कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही थी, तो मैंने यही वाला ऐड कर ली फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नवे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए मैंने वो वाला सैंडविच भी मैंने स्टैंड में यहाँ पे डाल दी सैंडविच मेकर में, उसको भी मैं 2-2 मिनट करके अल्टी पल्टी करके सेक लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी झटपट में हमारी सैंडविच बन के रेडी हो गई ना। तो इस तरह से आप भी बनाइएगा हमारे अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, बहुत ही मज़े के बनते हैं, बच्चे पेट भर के खाते हैं। तो देखिए फटाफट बन गई, और एक लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरी इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो। तो चलिए और एक रेसिपी बनाते हैं। तो यहाँ पे बना लेंगे बेसन का चीला। बेसन का चीला भी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ बेसन जितना आपको चाहिए। तो यहाँ पर हम मसाले ले लेंगे, हल्दी पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक अपने स्वाद अनुसार, और थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग सोडा। तो यहाँ बेकिंग सोडा लेंगे, बेकिंग पाउडर नहीं, बेकिंग सोडा। तो हमने मिर्ची पाउडर कम से कम आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद अनुसार और चाट मसाला आधा चम्मच, बेकिंग सोडा चुटकी भर जैसा, उसको हम सब मिला के मिक्स कर लेंगे फ्रेंड्स। और इसमें भी हमें ना वेजेस, यानी कुछ वेजेस यूज़ करेंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स। और बहुत ही ये भी हेल्दी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, जैसे लंच में भी दे सकते हो आप।
ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा गाजर कांदा, टमाटर, कैरेट, ऑनियन, टोमेटो चॉपेट करके मैंने इसको डाल दी हूँ। आप कोई भी, मैं बताई हूँ ना, आप कोई भी वेज और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि कैप्सिकम और कुकुम्बर, ककड़ी, तो ये भी आप ऐड कर सकते हो उसके अंदर। तो मेरे पास ये कांदा, टमाटर और गाजर था, तो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप करके उसको मिक्स कर ली हूँ। और जैसे ही आपका बेसन गाढ़ा होगा तो उसको और थोड़ा सा पानी डाल के आप पतला कर लीजिएगा, चीला जैसे बैटर बना रहा है, अच्छे से मिक्स करिएगा। तो देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और थोड़ा सा 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी मैंने इसको। यहाँ पे मैं देसी घी लगा लूँगी, थोड़ा सा ऑयल भी आप लगा सकते हो मेरे पास, अगर आपके पास घी है तो आप घी भी लगा सकते हो, क्योंकि हम हेल्दी नाश्ता बना रहे। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी ले ली हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, नॉन स्टिक पैन पर ज़्यादा नहीं लगता है, फिर भी ना चिपके करके मैंने थोड़ा सा इसमें घी लगाई हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हो। यहाँ पे हमारा बैटर देखिए रेडी है, चीले के जैसे हमें कंसिस्टेंसी रखना है इसकी। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम डाल के इसको फैला लेंगे अच्छे से। तो इसको हम अच्छे से चम्मच की मदद से फैलाएंगे, जितना हो सके हम इसको पतला करने की कोशिश करेंगे। ये चीला भी माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। ये जो मैंने मसाले डाली, वो मसाले आप देख कर बराबर डालिएगा, देखिए ना बहुत ही अच्छा टेस्टी फ्लेवर आएगा उसके अंदर, चाट मसाला, गरम मसाले का, और जो भी मैंने वेजिस ऐड करी हूँ, बहुत ही अच्छा यमी लगता है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पकने के बाद मैंने इसमें घी लगा दी ऊपर से थोड़ा सा, आप ऑयल भी लगा सकते हो, घी भी लगा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो थोड़ा सा नीचे सिकने के बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा, जैसा कि पलटी करने के टाइम पर हम ऑयल लगा के पलटी करेंगे या तो घी लगा के पलटी करेंगे इसको। तो देखिए हम चेक कर लेंगे इसको ब्राउन हुआ है कि नहीं, तभी थोड़ा बाकी है। तो देखिए यहाँ पे ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसको पलटी कर दी और उसको ये साइड पे भी अच्छे से हम सेक लेंगे, यानी कि हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे इसको, अच्छे से पकने देंगे। और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी फ्रेंड्स ये जब बन रहा था, और बच्चे लोग को इतना पसंद आया कि लोग फिर से डिमांड करते कि मम्मी मुझे फिर से ये टिफ़िन में चाहिए। देखना आप भी बना के देखिएगा, बहुत ही आपके बच्चे भी ये डिमांड करेंगे, बेसन का चीला, और बेसन तो माशाल्लाह हेल्दी रहता ही है सेहत के लिए। तो देखिए हल्टी पल्टी करके मैं इसको दोनों साइड में सेक लूँगी। आपको मेरी वीडियो, ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर आप नवे हो तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा बेसन का चीला रेडी है खाने के लिए, यही इसको हल्टी पल्टी करके हम 2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। ऐसे करते करते आप सारे आप चीले तैयार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने और भी चीले जो थे सब ऐसे ही करके मैंने रेडी कर ली हूँ। बड़े बच्चे सब खा सकते, ज़रूरी नहीं बच्चों के लिए, बड़े भी खा सकते हैं। मेरे घर में तो सबको पसंद है बेसन का चीला, और वो सैंडविच वगैरह जो मैंने बताई हूँ अभी इसके पहले रेसिपी, इस तरह से आपको समझ में नहीं आया टिफ़िन में क्या दे करके, और घर में भी बना के खा सकते हैं घर कभी नाश्ते का टाइम हो तो। तो देखिए रेडी है हमारा बेसन का भी चीला, फटाफट देखिए कितनी फटाफट बनता है, तो आप भी बना के देखिएगा फ्रेंड्स। और मैं और बाकी का जो भी है सब मैंने बना के रेडी कर ली, देखिए कितने मस्त। हमने टोमेटो सॉस के साथ में इसको मैंने बच्चों को टिफ़िन में डाल के दी थी, लग रही है ना एकदम। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।